तो उसका वास्तु देखते तो बहुत सही दिशा में वाटर एलिमेंट और सारा कुछ पहले था। इन्होंने क्या किया, बिल्कुल सामने कुछ पिलर्स खड़े किए। वो चेंजेस करने के बाद में ही टेररिस्ट का अटैक आ गया उस पे। तो ये वेद क्रिएट किया था उन्होंने। जैसे ही वो वेद क्रिएट हुआ, द वेरी नेक्स्ट ईयर टेररिस्ट का अटैक हुआ था। तो वास्तु प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल कंसिडरिंग सच इवेंट्स। ठीक है, आप कभी देखो, अगर मुंबई जाओगे तो वहां पे विजिट करना, या फिर ऑनलाइन भी गूगल पे भी आपको मैप मिल सकता है। विल ऑल्सो शेयर दिस केस स्टडी, व्हाट्सएप पे डालूंगी आपको। तो आइडियली होटल या कोई भी रिसोर्ट है कैसा होना चाहिए, तो सेम है कि उसका पूर्व या उत्तर दिशा में ओपनिंग ज्यादा हो। अगर रिसोर्ट में अगर स्विमिंग पूल बनाना है तो इट शुड बी इन द राइट जोन, जो नॉर्थ है या नॉर्थ ईस्ट में है। वहां पे अगर वो स्विमिंग पूल है तो वो अच्छा प्रोग्रेसिव रहता है, वेल्थ क्रिएट करता है और फेमस भी होता है। लेकिन अगर विपरीत या रॉन्ग जोन में अगर पानी आता है, जैसे अग्नि के जोन में, साउथ ईस्ट में या साउथ वेस्ट में है, तो बिल्कुल उल्टा हो जाता है। तो शुरुआत में तो वहां पे अच्छा सब रहेगा, लेकिन विद इन 2-3 ईयर्स वहां पे लॉसेस हो गए। और अगर अग्नि तत्व की दिशा में जल तत्व आ गया या कोई डिप्रेशन आ गया, तो वहां पे क्रिमिनल एक्टिविटीज होती है। वहां पे फिर पुलिस का आना या फिर ऐसे इवेंट्स होते हैं जो नहीं होने चाहिए। तो वाइल जब ये रेस्टोरेंट या रिसोर्ट कंस्ट्रक्ट करते हैं, वहां पे एक तो स्लोप देखना है, प्लॉट का शेप देखना है, वहां पे जो एलिमेंट्स है, वाटर है, अर्थ है, पेड़ पौधे कहाँ पे लगाने हैं, लॉन कहाँ पे हो, गार्डन कहाँ पे रखना है, पैंट्री या कैंटीन कहाँ पे हो, ये सारा कुछ प्रॉपरली एज पर वास्तु करते हैं, तो ही वो अच्छे से प्रॉफिट हो देता है, नहीं तो उल्टा हो जाता है। देर आर मेनी सच केस स्टडी। ठीक है, या अनटाइमली डेथ भी होती है। अगर साउथ वेस्ट में कोई दोष है, ऐसा रिसोर्ट है, अच्छे से बड़ा बड़ा रिसोर्ट बनाया, लेकिन साउथ वेस्ट में कुछ डिप्रेशन है या फिर वेल है वहां पे, तो क्या होगा, वो ओनर की अनटाइमली डेथ हो जाएगी। कुछ तो अटैक आ जाएगा या फिर वो बेड रिडन हो जाएगा, ही वोंट बी एबल टू फंक्शन इन दैट प्रॉपर्टी। ओके, तो ये ऐसे बड़े दोष है तो उसका परिणाम भी बड़ा सा देखा जाता है। और अगर वास्तु के अनुसार करते हैं तो बिल्कुल ही वहां पे प्रोग्रेस होती है, उनकी हेल्थ भी अच्छी रहती है, लोगों से रिश्ते अच्छे रहते हैं, और ज्यादा कुछ उनको करना नहीं पड़ता है। नेचुरल एलिमेंट या नेचुरल एनर्जी, नेचुरल रिदम है, उनको सपोर्ट करता है। तो किसी भी रिसोर्ट को अगर दक्षिण पश्चिम भाग में उसको बनाना है, कंस्ट्रक्शन जो है वो दक्षिण पश्चिम भाग में हो, और नॉर्थ और ईस्ट में जितना खुला रख सकते हैं, जितना वहां पे एम्प्टी स्पेस, खाली स्पेस रखते हैं, उतना अच्छा होता है। इसमें कुछ है क्वेश्चंस? अच्छा, बहुत से ऐसे भी केसेस होते हैं कि जहाँ पे होटल है, रेस्टोरेंट है, वहां पे शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। ये कब होता है, जब साउथ ईस्ट में या साउथ वेस्ट में बड़ा सा दोष होता है तो ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं। और वो इतना बड़ा नुकसान करता है वो वास्तु के, आगे वो फिर काम ही बंद हो जाता है, शट डाउन हो जाता है परमानेंटली। इसके लिए ये वास्तु प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द कमर्शियल वास्तु एज वेल। स्टोरेज कहाँ पे हो या फिर कैंटीन कहाँ पे हो, ये सारे वही अप्लाई होते कि स्टोरेज कहाँ पे हो तो नॉर्थ वेस्ट या वेस्ट में होना चाहिए। जो किचन है, कैंटीन है वहां का, वो साउथ ईस्ट में होना चाहिए। जो रिसेप्शन एरिया है, इट इज बेटर टू बी इन द या तो ईस्ट में हो या फिर नॉर्थ ईस्ट में हो। ये सेम रूल्स अप्लाई होते हैं फॉर एनी वास्तु। ओके, और जितना दक्षिण पश्चिम में जितना
स्टोन का कुछ ऐसे क्लैडिंग करते हैं, स्टोन का कुछ ऐसे डेकोरेटिव कुछ बनाते हैं, उतना उसका वो वास्तु का स्टेबिलिटी अच्छा रहता है। ओके, इसमें कुछ है और क्वेश्चंस? मैम एकदम करेक्ट फर्क का है सांगू? फर्स्ट पॉइंट टू पॉइंट बताती हूँ। फर्स्ट पॉइंट ये है कि उसका शेप ठीक हो। एनी रिसोर्ट, एनी होटल, एनी रेस्टोरेंट, उसका शेप कैसा हो, या तो स्क्वायर हो या फिर रेक्टेंगल। दूसरा पॉइंट है कि उसका स्लोप ठीक ठाक हो, मतलब अगर दक्षिण या पश्चिम में ढलान है तो पैसा आएगा, लेकिन वो खर्चा बहुत ज्यादा करेगा, उसमें इतना कर्जा भी करता है। अगर रॉन्ग जोन में अगर स्लोप है तो कर्जा भी हो जाता है। तीसरा पॉइंट ये है कि जो कंस्ट्रक्शन है वो मेनली साउथ वेस्ट या साउथ में हो। जो डिस्चार्ज डायरेक्शन है वहां पे जितना कंस्ट्रक्शन हो उतना अच्छा होता है, और जितना नॉर्थ और ईस्ट में खाली जगह हो उतना अच्छा होता है। फोर्थ पॉइंट ये है कि मेन एंट्रेंस है वो हमेशा ईस्ट में होना चाहिए। ईस्ट में जितनी साइड मार्जिन या खाली जगह हो उतना वो वास्तु फ्लरिश करता है, उसका नाम हो जाता है, अच्छे से वो फेमस होता है। ये एनर्जी ईस्ट से आती है। नॉर्थ से क्या आता है? पैसा आता है। ईस्ट से क्या आता है? नाम होता है। ईस्ट का सूर्य की ऊर्जा होती है। सूर्य का काम क्या है? प्रकाश में लाना। किसी भी चीज को प्रकाश में लाने का काम सूर्य करता है। इसके लिए अगर कोई भी रिसोर्ट है, रेस्टोरेंट है, होटल है, तो उसका ईस्ट का ध्यान देना जरूरी है। और फिफ्थ पॉइंट ये है कि अगर वहां पे रिसोर्ट है, वहां पे स्विमिंग पूल बनाना है, कोई भी वाटर रिलेटेड फाउंटेन है, स्विमिंग पूल है, कुछ भी है, तो वो कहाँ पे हो? नेचुरल वाटर एलिमेंट की जो दिशा है, नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट, वहां पे होना अच्छा होता है। अगर वहां पे नहीं है और रॉन्ग जोन में या साउथ ईस्ट में या फिर साउथ वेस्ट में अगर जाता है, तो स्विमिंग पूल, वेल ये या फिर फाउंटेन है, तो उसमें अगेन डिप्रेशन आ जाता है। सो वो दोष क्रिएट होता है। तो ऐसे वास्तु में क्या होता है, या तो अनटाइमली डेथ ऑफ द मेन पर्सन ऑफ द रिसोर्ट, या फिर वहां पे नुकसान होता है, बदनामी होती है। और यही अगर वाटर एलिमेंट साउथ ईस्ट में आता है या साउथ ईस्ट में कोई भी दोष क्रिएट होता है, तो वहां पे क्रिमिनल एक्टिविटीज होती है और वो बदनाम हो जाता है। ईस्ट में भी बड़ा दोष है तो भी वो वास्तु बदनाम हो जाता है। ओके, अभी इसका जो अनाज स्टोर करते हैं या फिर जो जो भी स्टोरेज का है, वो नॉर्थ वेस्ट में होना अच्छा होता है, क्योंकि वहां पे एयर एलिमेंट है, जितना वो मोमेंट में रहेगा उतना वो फिर से बनेगा, लोग आएंगे, खाना खाएंगे, फिर से वो भर दिया जाएगा। इट द रोटेशन गोज ऑन, द रोलिंग गोज ऑन, दैट इज वाई स्टोरेज यहाँ पे साउथ वेस्ट की बजाय नॉर्थ वेस्ट में या वेस्ट में होना चाहिए। और कैंटीन, पेंट्री, ये सब साउथ ईस्ट में हो। बड़े बड़े चूल्हे होते हैं, अगर बड़ा रिसोर्ट है या बड़ा रेस्टोरेंट है, तो उसका वो चूल्हे भी बड़े होते हैं, गैस भी बड़े होते हैं, 50-50 लोग वहां पे काम करते रहते हैं, शेफ होते हैं, तो ये सारा जो है वो साउथ ईस्ट में होना आइडल होता है। बेकरी का भी काम है, वो भी भट्टी लगाते, वो भी साउथ ईस्ट में होना चाहिए। सी, नेचुरल जो एलिमेंट है वो काम को अगर वही एलिमेंट में अगर प्लेसमेंट करते हैं, तो वहां का नेचुरल रिदम उसे सपोर्ट करता है, और उसके विपरीत जोन में अगर डालते हैं तो वी क्रिएट अ वास्तु दोष या फिर एनर्जी का इम्बैलेंस क्रिएट होता है उसमें। सो ऑलवेज सी टू दैट कि जो जिस जोन में जो एलिमेंट है उसी हिसाब से वो होना चाहिए। अभी रिसोर्ट में कभी कभी ऐसे स्पोर्ट्स का कुछ क्लब होता है, या फिर गेम जोन होता है, या फिर एंटरटेनमेंट म्यूजिक का कुछ होता है, तो ये कहाँ पे, या फिर जिम भी होता है, ये कहाँ पे हो? वेस्ट जोन में होना चाहिए, वेस्ट या साउथ में होना चाहिए, क्योंकि वहां पे वो एनर्जी सपोर्ट करती है। ओके, इसमें है कुछ क्वेश्चंस है आपको? नो कि अगर नॉर्थ है तो वहां पे लाल कलर लगा दिया, दैट इज नॉट राइट थिंग टू डू। कलर्स का मैंने आपको शेयर किया है। सपोज अगर साउथ ईस्ट कंप्लीट कट है, वहां पे किसी भी जगह में अगर साउथ ईस्ट सपोज कट ही हो गई, एक कॉर्नर ही कट है, तो वहां पे अगर वो फायर एलिमेंट
की ऊर्जा क्रिएट करनी है तो वहां पे एक्सेस रेड कलर यूज करना है या फिर रेड कलर के पौधे लगाने हैं. एनीथिंग दैट इज रेड कलर का यूज करके आप वो एनर्जी क्रिएट कर सकते हो. कार्नेलियन स्टोन्स होते हैं वहां पे, वो भी आप वहां पे लगा सकते हो. तो अगर कट है या कोई दिशा अगर ऐसा वहां पे दोष है, वो एलिमेंट अगर मिसिंग है, तो वो एलिमेंट को आप क्रिएट कर सकते हो विद द कलर्स, मटेरियल, मेटल्स या फिर जो भी नेचुरल एलिमेंट है उसके हिसाब से आप कर सकते हो. ठीक है, किसी भी रिसोर्ट में या कोई भी होटल है, एनी कम होते हैं जो बाहर उसका सारा स्टीम वगैरह बाहर जाता है, एग्जॉस्ट होता है, या फिर कोई भी इलेक्ट्रिकल प्लांट्स है, उनका मेन एमसीबी जिसको बोलते हैं, मेन स्विच बोर्ड, ये सारा कुछ कहाँ पे होना चाहिए? साउथ ईस्ट में ही होना चाहिए. अगर ये साउथ ईस्ट में नहीं है और ये वेस्ट में जोन में एयर एलिमेंट चला गया, तो या तो मेंटेनेंस निकालेगा या फिर वो अगेन शॉर्ट सर्किट का खतरा होता है यहाँ पे. ओके, तो ये भी देखना बहुत जरूरी है. रेक्टेंगल या फिर स्क्वायर होना चाहिए. उससे क्या होगा, जो भी ड्रामा है, म्यूजिक है, डांस है, एंटरटेनमेंट है, आर्ट है, एनी काइंड ऑफ परफॉर्मेंस इज रिलेटेड विद शुक्र का वहां पे संबंध आता है और उसका एयर एलिमेंट से भी संबंध आता है. इट इज कनेक्टेड विद द माइंड, इट इज कनेक्टेड विद द इमोशंस. दैट इज व्हाई वो कहाँ पे उसका प्लेसमेंट हो, या तो ईस्ट में होना ठीक है, वेस्ट में भी अलाउड है और साउथ ईस्ट में भी अलाउड है. ये तीन जोन में होना अच्छा रहता है. सपोज अगर ईस्ट में मेन एंट्रेंस है किसी मॉल का, तो वेस्ट में सिनेमा हॉल या ऑडिटोरियम हो तो अच्छा रहता है. तो वहां पे जो ऑडियंस है वो सारा ईस्ट में बैठेगा. एवरी वन विल फेस टूवर्ड्स द वेस्ट डायरेक्शन एंड वो स्क्रीन या स्टेज है वो वेस्ट में होगा. ओके, समझ में आ गया ये? इसमें कुछ है क्वेश्चंस? तो ये ऑडिटोरियम है या फिर कोई भी जहां पे परफॉर्मेंस होता है, चाहे वो आपके कॉलेज में हो, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में हो या फिर मॉल में हो, कहीं भी हो, यही सेम अप्लाई होता है. साउथ ईस्ट इज द बेस्ट जोन इसके लिए. वेस्ट भी अच्छा है एंड ईस्ट इज ऑल्सो गुड फॉर. अच्छा, मुझे बताइए कि बैंक का कौन से इससे संबंध आए, कौन सी देवता से संबंध आता होगा? कोई भी बैंक है उसका, और आप जो भी बैंक बंद पड़ गए, जैसे अभी एक पीएमसी बैंक बंद पड़ गया और बहुत सारे रूपी बैंक बंद पड़ गया, उसका भी वास्तु आप देखो, उसका कहाँ पे है शेप वगैरह. शायद से डोंबिवली का ही कुछ बैंक बंद बंद पड़ गया ना एक, क्या नाम है वो बैंक का, एनी वन नोज द नेम? आर यू देयर ऑल? यस मैम. तो पता है कौन सा, कोई तो बैंक है, सब पैसा डूब गया लोगों का और बैंक ही बंद है, अभी लोगों के पैसे उसमें फंस गए. कुछ है, कुछ पीएमसी बैंक है आई गेस उसका नाम है. बट मैम, पीएमसी बैंक तो पूर्ण बंद आ रही ना, एक एक ब्रांच असला तर मुझे समझ सकते कि वास्तु मध्ये दोष है वगैरह. एक ब्रांच में भी दोष है या एक हिस्से में भी दोष है तो सब जगह अप्लाई होता है. अगर एक किसी ने घर लिया है, उसके सपोज चार फ्लैट है, तीन फ्लैट का फ्लैट अच्छा है वास्तु, लेकिन एक फ्लैट का खराब है, तो वो खराब का ज्यादा असी. निगेटिव एनर्जी इज ऑलवेज पावरफुल देन पॉजिटिव एनर्जी. हम अगर कुछ अच्छा टॉनिक लेते हैं तो उसका असर होने को महीनों लग जाते हैं,
लेकिन कुछ इन्फेक्शन होता है तो इंस्टेंटली होता है कि नहीं? तो एनी काइंड ऑफ निगेटिव एनर्जी इज ऑलवेज मोर पावरफुल देन द पॉजिटिव एनर्जी। इतना सारा दूध है तैयार किया 10 लीटर का, उसमें एक चुटकी भर भी नमक उसमें आ गया, गिर गया, तो पूरा 10 लीटर का 10 लीटर दूध खराब हो जाता है, यू नो। तो ये निगेटिव एनर्जी किसी भी एक वास्तु में भी है तो भी ये अप्लाई होता है फॉर एवरी, दैट वो जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको अप्लाई होता है। हमारे शरीर पूरा अच्छा है, लेकिन सपोज कहीं हमारे दांत में दर्द होने लगा कुछ, तो हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। अरे पूरा शरीर में कहीं भी पेन नहीं है, द ओनली थिंग इज द डेंटल पेन, बट वी गेट डिस्टर्ब कम्प्लीटली, कहीं मन नहीं लगता है, कैसे करे क्या करे सोचता नहीं। तो ये क्या निगेटिव एनर्जी किसी भी वास्तु में है, उसके 10 ब्रांच है तो भी इट अफेक्ट्स। इसके लिए आपको उसका, आपको गूगल से भी मिल जाएगा शायद से, आप ऐसे वास्तु देखो, दो तरह के देखो। फर्स्ट है जो ऐसे बैंक बंद पड़ गया, या फिर जो जहां पे कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हो गए, जैसे मैंने ताज का एग्जांपल बोला, वो भी देखो। जो फ्लरिश कर रहे हैं, जिनकी प्रोग्रेस बहुत ही अच्छी है, उनका भी आप वास्तु चेक करो, उसका ओरिएंटेशन कैसा है, उसका शेप कैसा है, वहां पे उन्होंने आसपास में क्या है, ये सब यू कैन स्टडी बोथ बोथ द थिंग, नॉट ओनली निगेटिव बट पॉजिटिव आस्पेक्ट भी आप देख सकते हो। तो इससे ये ऑब्जर्वेशन से, या कहीं भी आप मॉल में जाते हो, कहीं भी जाते हो, किसी घर में जाते हो, यू शुड हैव दैट आई टू सी एंड ऑब्जर्व द हाउस शेप ऑफ द वास्तु, घर कैसा है, ये लोग बहुत खुश है, इनके घर में जाके अच्छा लगता है, तो यहाँ पे कैसी है एनर्जी, कैसी है वाइब्रेशन, कैसी है डायरेक्शन में, क्या क्या है, यू कैन ऑब्जर्व सच थिंग। ओके, तो ये बैंक का हमेशा इफ इट इज प्लेस्ड फेसिंग अर्थ, अगर ईस्ट में है तो हमेशा अच्छा रहता है। मैंने थाना में एक बैंक में बैंक का वास्तु का काम किया था, वो लोग सारे अच्छे थे, बैंक भी बहुत फेमस है, लेकिन वो जो ब्रांच है वहां पे कुछ भी प्रोग्रेस नहीं थी, क्लाइंट नहीं आ रहे थे, जिन्होंने कर्जे लिए थे लोन रिपेमेंट नहीं हो रहा था, उन्होंने इंटीरियर में एक ही गलती की थी, वहां पे जो साउथ वेस्ट की वॉल है वहां पे वॉटर वॉल उन्होंने क्रिएट किया था, ऐसे इंटीरियर्स में बड़ा सा वॉल टू वॉल ऐसा वॉटर वॉल था एक, और बिकॉज ऑफ दैट वॉल दैट जोन बिकेम निगेटिव। फिर मैंने उनको बताया कि वो सिर्फ पानी का आप निकालो, या फिर नॉर्थ में लगा दो, या फिर वो बंद कर दो। जैसे ही साउथ वेस्ट का वो वॉटर एलिमेंट उन्होंने हटा दिया, वो ब्रांच का प्रोग्रेस होने लगा, वो जो है सीनियर मैनेजर उनका प्रमोशन भी हो गया, नाउ इट इज वेरी वेल डूइंग दैट ब्रांच। तो ये आप सारे इंटीरियर डिजाइनिंग सीख रहे हो, तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि कोई भी है कमर्शियल में तो सिर्फ प्रॉफिट ही देखना है, लेकिन अगर कमर्शियल वास्तु है तो कौन से जोन में, कौन से एलिमेंट में क्या दोष है, क्या अच्छा हो सकता है, यू शुड लर्न टू ऑब्जर्व दिस थिंग। तो बैंक हमेशा कहाँ पे होना चाहिए, ईस्ट फेसिंग इज ऑलवेज गुड, वेस्ट फेसिंग भी अच्छा रहता है, बट अगर वहां पे दक्षिण पश्चिम में दोष है या साउथ ईस्ट में दोष है तो फिर क्या, या साउथ ईस्ट एक ब्रांच है बहुत मजेदार है, साउथ ईस्ट एक्सटेंशन है, साउथ ईस्ट डायरेक्शन है, वो मंगल की भी दिशा है, साउथ डायरेक्शन मंगल की है, तो वहां पे ज्यादा से ज्यादा क्रिमिनल लोगों के हाथ से पैसा कमाते हैं, ऐसे लोग यहाँ पे अकाउंट ओपन करें। सो ये लॉजिक जो है आपको अगर डेवलप हो गया, इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड द वास्तु एस्पेक्ट। ओके, इसमें कुछ है डाउट्स? अभी बैंक में जो
जो मैंने बताया था कि साउथ वेस्ट में हमेशा जो मेन पर्सन है उसने बैठना चाहिए, बट दिस डजंट अप्लाई फॉर द बैंक. बैंक की जो मेन ब्रांच है वो साउथ वेस्ट में उसने नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि फिर उसका काम चलेगा नहीं, वैसे के वैसे रहेगा. ही शुड ऑलवेज सिट इन द ईस्ट जोन, पूर्व की दिशा में उसका मेन पर्सन का सिटिंग अरेंजमेंट होना चाहिए. देन ओनली द बैंक विल प्रोग्रेस. एंड जो मिडिल मैनेजमेंट स्टाफ है वो कहाँ पे हो, या तो वेस्ट में हो या फिर साउथ ईस्ट में. और जैसे हमारा रूल है कि नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ हमेशा खाली रहना चाहिए, वहां पे मिनिमम इंटीरियर्स, वहां पे अर्थ एलिमेंट के कुछ डेकोरेटिव पौधे लगाए या फिर कुछ भी ऐसे रख दिया, ऐसा नहीं. जितना वो एम्प्टी रहेगा, जितना खाली रहेगा, उतना कैश फ्लो वहां पे बढ़ता रहेगा. दिस इज थंब रूल फॉर एनी वास्तु. आपका घर हो, चाहे दुकान हो, रेस्टोरेंट हो, कुछ भी हो, वहां पे नॉर्थ अगर खाली रखते हो, नॉर्थ ईस्ट स्पेशली, तो नॉर्थ साउथ एक्सिस है उसका रिदम अच्छा बना रहता है और वहां पे कैश फ्लो अच्छा रहता है. अगर नॉर्थ ब्लॉक करते हैं, नॉर्थ ईस्ट ब्लॉक करते हैं, तो कैश फ्लो अफेक्ट होता है, खर्चा ज्यादा होता है, पैसा कम आता है. दिस इज अप्लाइड टू एनी काइंड ऑफ वास्तु, बीट कमर्शियल, बीट रेसिडेंशियल, कोई भी हो. ओके, ये कुछ थंब रूल्स है. एनी क्वेश्चंस? में एटीएम का मशीन रखा है, रूम रखा है, वहां पे चोरियां होने के चांसेस होते हैं. तो अगर बैंक है और बैंक के साउथ ईस्ट में अगर एटीएम मशीन रखते हैं, तो वहां पे चोरिया होगी. एनी अदर डायरेक्शन इट विल नॉट हैपन. एटीएम मशीन या एटीएम का जो केबिन है, बैंक या तो ईस्ट में हो या वेस्ट में हो या फिर एनी अदर डायरेक्शन, बट नॉट इन द साउथ ईस्ट. अभी और किसी कमर्शियल वास्तु के बारे में आपको जानना है तो मुझे आप क्वेश्चंस कर सकते हो, आई विल एक्सप्लेन यू. मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स हो गए हैं, कवर किया है, बट इफ यू वॉन्ट टू नो एनी कमर्शियल वास्तु, वी कैन डिस्कस अबाउट इट. का कुछ बेचते हैं, या तो वहां का मेन एंट्रेंस अगर साउथ वेस्ट में है तो बहुत फलता फूलता है काम, क्योंकि वहां पे साउथ वेस्ट में सारे राक्षस देवता होते हैं, पितृ है, यम है, ये सारे जो देवता वृंद है साउथ ईस्ट, साउथ और साउथ वेस्ट, इनको ये मांस है, मदिरा है, ब्लड है, ये इनको अच्छा लगता है, वो प्रसन्न होते हैं. इसलिए कोई भी नॉनवेज रेस्टोरेंट या बार है वो अगर साउथ वेस्ट में उसकी एंट्री है तो ज्यादा चलता है, प्रॉफिट में आ जाता है. तो जो एक्टिविटी है उसके अनुसार आपको वास्तु देखना होता है. कोई अगर टेलर की दुकान है सपोज, या फिर टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, तो वहां पे क्या सुई का काम चलता है, मशीन चलती है, काटने का काम होता है, तो ये काटना, सिलाई करना मशीन पे, ये सारा कुछ अगेन कौन सी एनर्जी है वहां पे, कट करने का काम है, वो मंगल का है, मंगल ऑपरेशन का भी कारकत्व है. तो ये साउथ ईस्ट में हमेशा होना अच्छा होता है. किसी भी टेलर की दुकान आप देखो, अगर साउथ ईस्ट में उसका मेन एंट्रेंस है या साउथ ईस्ट में उसकी मशीन रखी है, तो उसका काम बहुत अच्छा चलता है, वो प्रॉफिट में आ जाता है. तो उसको अगर नॉर्थ का देंगे और नॉर्थ में अगर कटाई का काम करेंगे, दैट विल बी रियली अ रॉन्ग एक्टिविटी इन दैट जोन. तो ये लॉजिक आपको समझ में आ रहा है? एज पर द एक्टिविटी द वास्तु हैज टू बी सिलेक्टेड. और अभी सपोज अभी हम बोलते हैं कि रेस्टोरेंट है, लेकिन रेस्टोरेंट के लिए साउथ ईस्ट दिशा अच्छी है, लेकिन किसी की चाय की दुकान है सपोज, तो चाय तो लिक्विड फॉर्म आ गया, तो लिक्विड के लिए कोई भी जल तत्व है,
उसके लिए कौन सी दिशा है, नॉर्थ अच्छा है उसके लिए, है ना। तो वो जल तत्व का कोई भी है, चाहे कोल्ड ड्रिंक हो, चाहे कोई चाय की दुकान हो, ऐसा कुछ भी हो, तो उसके लिए नॉर्थ का जोन है वो सबसे बेस्ट होता है। और अगर सपोज किसी का जिम है, जिम का हमने नहीं देखा, तो ये लॉजिक से आप मुझे बताओ कि जिम का कैसे होना चाहिए वास्तु। कोई आपके पास आ गया कि मुझे एक जिम स्टार्ट करना है, आप बता दो मैं किस तरह की जगह ले लूं और कहां पे क्या रखूं, व्हाट विल बी योर सजेशन। जिम में क्या होता है, ब्रेन का काम कुछ होता है क्या जिम में? यू शुड हैव द क्लैरिटी एज मच एज पॉसिबल। मैम यस प्रतीक, मैम मी एज अ मरिस्ट एंड मैम जो पेट्रोल पंप्स होते हो, हाँ पेट्रोल पंप का आप बताओ लॉजिक से। पेट्रोल का जो स्टोरेज टैंक होता है वो अंडरग्राउंड होता है, यस, लेकिन वो लिक्विड है, लेकिन वो जल तत्व पानी तो नहीं है, वो तो ऑयल बेस्ड पेट्रोल है, तो ये कहाँ पे होना ठीक होता है? साउथ ईस्ट में बिल्कुल नहीं। साउथ ईस्ट में कोई भी डिप्रेशन अंडरग्राउंड साउथ साउथ वेस्ट और साउथ में कोई भी डिप्रेशन वेल या कुछ भी अंदर अंडरग्राउंड वाटर टैंक या फ्यूल टैंक नहीं होना चाहिए। बट नॉर्थ वेस्ट में वो टंकी हो और उसका अरेंजमेंट अगेन मैंने जैसे बताया वो स्वस्तिक आकार हो कि उसका जो भी है ईस्ट में या नॉर्थ में उसका ओपनिंग हो तो बेटर है, इसी तरह से अच्छा रहता है। वो उसका जो बिल्डिंग है वो वेस्ट में या फिर साउथ में होना चाहिए, बट जो स्टोरेज टैंक है वो डेफिनेटली नॉर्थ वेस्ट में ही हो। का बहुत यूज किया मैम। यस, पहला ये है कि नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट ना हो, क्योंकि सबसे ऑस्पिशियस दोष क्या है, साउथ वेस्ट में डिप्रेशन होना, वेल होना, अंडरग्राउंड वाटर टैंक होना, ये भी बड़ा दोष है, या साउथ वेस्ट कट होना ये भी बड़ा दोष है, ये सब महादोष में आता है। तीसरा दोष क्या है, ईस्ट में कोई भी दोष है तो घर में सुख शांति नहीं रहती है, रिश्ते बिगड़ते हैं। ईस्ट में टॉयलेट हो, चाहे ईस्ट कट हो, या फिर ईस्ट में से वो मालिया वगैरह लॉक बनाते हैं वो हो, तो वो भी बड़ा दोष होता है, या फिर ईस्ट दिशा ही कट है बिल्कुल, ये भी महादोष है। बहुत महादोष ये है कि डायगोनल वास्तु मीन्स ओरिएंटेशन जो है वास्तु का वो एज पर जो अर्थ की जो अक्षांश रेखांश के हिसाब से नहीं है, उससे उल्टा है, डायगोनल है, मतलब मेन डायरेक्शन है वो कॉर्नर में चली गई, ये भी महादोष होता है, वो घर में भी प्रगति नहीं होती, वही के वही वो लोग रह जाते हैं। वैसे चार पांच महादोष जिसको बोलते हैं वास्तु में वो है। या फिर और एक महादोष ये है कि साउथ में एम्प्टी स्पेस, जैसे बहुत ज्यादा सामने ग्राउंड है या ओपनिंग है, साउथ वेस्ट में बालकनी है, टेरेस है, साउथ ईस्ट में टेरेस है, लेकिन नॉर्थ कंप्लीट बंद है, ईस्ट भी बंद है, नॉर्थ तो इससे घर में ऊर्जा ही नहीं आ रही है, जो भी ऊर्जा है वो दिशा डायरेक्शन से ही आ रही है,
और साउथ ईस्ट में अगर है बहुत ज्यादा तो पुलिस केस या फिर क्रिमिनल एक्टिविटीज या फिर कुछ किया नहीं फिर भी कुछ तो किसी इसमें फंस गया ऐसा होता है, तो ये सारे महादोष में आता है ये सब। इसमें जो भी क्वेश्चन है आप पूछ सकते हो, क्योंकि आज का लेक्चर हमारा लास्ट है। चाहे तो आप डाउट्स ग्रुप पे भी शेयर कर सकते हो, आई विल आंसर योर क्वेश्चन। एक बार गुड पॉइंट बताओ ना, कौन कौन से हैं गुड पॉइंट्स एज पर वास्तु? हाँ मैम। हाँ, फर्स्ट है ओरिएंटेशन ठीक ठाक हो। ओरिएंटेशन मींस ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ दिशा ठीक ठाक हो, डायगोनल ना हो। मतलब नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में आ जाए, साउथ ईस्ट कॉर्नर में आ जाए, साउथ वेस्ट कॉर्नर में आनी चाहिए और नॉर्थ वेस्ट भी कॉर्नर में आना चाहिए। ये अच्छा पॉइंट है। दूसरा ये है कि अगर नॉर्थ साउथ लेन ज्यादा है किसी भी वास्तु की, तो बाय डिफॉल्ट वहां पे प्रोग्रेस हो जाती है, वो बड़े वास्तु में शिफ्ट होता है उससे बड़े। अगर नॉर्थ साउथ लेन अच्छी है ज्यादा है तो ये भी थंब रूल है। तीसरा ये है कि नेचुरली या फिर आप क्रिएट करो अंडरग्राउंड वाटर टैंक या स्विमिंग पूल, तो अगर नॉर्थ में या नॉर्थ ईस्ट में कोई भी वाटर एलिमेंट है तो वो वास्तु के लिए बहुत अच्छा होता है। फोर्थ पॉइंट है कि घर में जो ऊर्जा है वो ज्यादा राइजिंग डायरेक्शन से कॉस्मिक जोन से आनी चाहिए। कौन से जोन है? ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट है और नॉर्थ है। पूर्व का प्रकाश है वो तो हर तरह का सुख घर में लेके आता है। पूर्वे प्लवे लक्ष्मी ऐसे श्लोक है। तो जहां जिस घर में पूर्व से प्रकाश आता है वो घर में लक्ष्मी का वास होता है, वो घर के बच्चों का करियर में प्रॉब्लम नहीं आता है, सब चीजें ऐसे आसानी से इजी हो जाता है, उनका रिलेशंस भी अच्छे रहते हैं, हेल्थ अच्छी रहती है। सो हर एक सुख शांति जैसे बोलते हैं ना, वो सारा कुछ मिलता है व्हेन इस एनर्जी इज क्लियर एंड एंटर्स इन द हाउस। इसमें कोई दोष नहीं। फिर जो नेचुरल किचन का जो स्थान है वो साउथ ईस्ट में होना एक बहुत अच्छा है। किचन साउथ ईस्ट में नहीं है वो दोष हो जाता है, लेकिन बाय डिफॉल्ट अगर किचन साउथ ईस्ट में है तो सबसे अच्छा है, वो एक अच्छा पॉइंट है। जो भी बेडरूम है या जो भी मेन पर्सन है कमर्शियल वास्तु में, उसका जो सिटिंग ये है या फिर बेडरूम है वो साउथ में या साउथ वेस्ट में होना अच्छा होता है। और जो सीनियर सिटीजन है जिनको जिनकी हेल्थ अच्छी रहनी चाहिए, उनकी बेडरूम हमेशा नॉर्थ ईस्ट में या नॉर्थ में होना ठीक है। और जिनको अभी यंग मैरिड कपल है उनके लिए पृथ्वी तत्व में उनका बेडरूम का स्थान होना चाहिए। जितना भी साउथ और साउथ वेस्ट वेस्ट दिशा से कम ऊर्जा घर में आती है वो उतना अच्छा रहता है। क्रॉस वेंटिलेशन के लिए विंडोज है ठीक है, पर जितना साउथ वेस्ट बंद है या साउथ बंद है उतना अच्छा रहता है। जितना आप साउथ वेस्ट या साउथ में डिस्चार्ज जोन में जितना सामान रखोगे, जितना वजन रखोगे, जितना उधर की एनर्जी ब्लॉक हो जाएगी उतना घर के लिए अच्छा रहता है। दैट मींस नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट ईस्ट में कम से कम सामान हो, एम्प्टी स्पेस हो, और साउथ वेस्ट और साउथ वेस्ट में ज्यादा से ज्यादा भारी वजनदार हाइट वाला सामान रखना चाहिए। और जो भी अंडरग्राउंड वाटर टैंक है वो नॉर्थ ईस्ट में होना या नॉर्थ में होना अच्छा है। ओवरहेड वाटर टैंक है वो नॉर्थ वेस्ट में या वेस्ट में हो वो बेटर है। घर की सीढ़ियां वगैरह भी वेस्ट में या साउथ में हो बेटर है। घर का ब्रह्मस्थान हमेशा किसी भी कोई कमर्शियल वास्तु है ब्रह्म वहां का
ब्रह्मस्थान खाली रहना चाहिए। ब्रह्मस्थान में पिलर आ गया, दीवार आ गई, कुछ रख दिया, तो वो भी दोष होता है, क्योंकि ब्रह्मस्थान से ग्रेविटेशनल से पॉजिटिव स्ट्रीमिंग पूरी वास्तु को मिलता है। दैट इज द सेंटर ऑफ द एनर्जी सर्कल। ये कुछ है पॉजिटिव पॉइंट्स। एंड अगर हाँ बताना, अगर ब्रह्मस्थान में पिलर आया तो हम उसके ऊपर क्या कर सकते हैं? सी, एक तो वास्तु का, अगर हमें चाहिए वैसा वास्तु करना है तो वी नीड टू कंस्ट्रक्ट द हाउस एज पर वास्तु। अभी हमारे मुंबई में, कल्याण में, डोंबिवली में, पुणे में फ्लैट सिस्टम है, तो 100% वास्तु के अनुसार हमें घर नहीं मिलता है। yes. तो वहां पे क्या करना पड़ता है, एक तो सिलेक्शन के टाइम पे कम से कम वास्तु दोष वाला घर हम चूज कर सकते हैं, फर्स्ट पॉइंट। और अगर अभी एग्जिस्टिंग घर है उसका वास्तु का परीक्षण करके जो दोष है उसके लिए उपाय कर सकते हैं। उपाय में क्या आता है, वास्तु के उपाय करने हैं, और वो वास्तु दोष से जिसको इफेक्ट होगा उसको भी उसके लिए भी उपाय करने हैं, सो दैट वोंट इफेक्ट। फॉर एग्जांपल नॉर्थ ईस्ट में अगर टॉयलेट है तो उसका सबसे बड़ा दोष है वो घर के जो हस्बैंड वाइफ है, मेन कपल है, उनको जाता है, तो उनको उपाय करने पड़ेंगे और वास्तु में भी उपाय करने पड़ेंगे। तो ये रेमेडीज करके वो दोष को हम हटा सकते हैं या फिर उसका इफेक्ट कम कर सकते हैं। जैसे एक्सीडेंट होने वाला है तो सिर्फ पैर को ऐसे कुछ पत्थर लग गया, उसको वी कैन मिनिमाइज द निगेटिविटी ऑफ दैट वास्तु दोष। इसको बैलेंस भी कर सकते हैं रेमेडी से और वो वास्तु दोष को कम भी। मुझे वास्तु मध्य वास्तु मध्य म्हणजे पॉझिटिव्ह एनर्जी, म्हणजे पॉझिटिव्ह एनर्जी म्हणजे वास्तु मध्ये टिकून राहावी, त्यासाठी बेसिक रेमेडीज काय आहेत, म्हणजे काय करू शकतो आपण? ते कस्टमाइज्ड असतं। सपोज आता डॉक्टरकडे गेले 10 लोक गेले, तर डॉक्टर 10 लोकांना एक औषध नाही देणार ना, एक टॉनिक नाही देणार ना। सपोज एखादी व्यक्ती आहे, त्यांच्या शरीरात कॅल्शियम खूप आहे आणि त्या व्यक्तीला कॅल्शियम अजून दिलं तर त्याला स्टोन्स होतील, किडनी स्टोन। ओके, सो वास्तू इज नॉट जनरलाइज सब्जेक्ट। ती वास्तू कशी आहे, त्या घरातले लोक, त्यांचा व्यवसाय काय आहे, त्यांच्या नीड्स काय आहेत, करिअर काय, काही शाळेत जाणारी मुलं असतात, काही मोठी असतात, त्याप्रमाणे कस्टमाइज सोल्युशन द्यावे लागतात। इट कॅनॉट बी जनरलाइज। जनरलाइज फक्त दोनच उपाय असतात, एक म्हणजे सत्यनारायणाची पूजा दरवर्षी करायची, दॅट इज व्हेरी नॉर्मल थिंग, दॅट डझंट एलिमिनेट द वास्तु दोष, और दॅट डझंट क्रिएट मच मोर पॉझिटिव्ह एनर्जी इन दॅट वास्तु। एक तात्पुरता हे असतो उपाय। You can send me layout, I can study your vastu if you require, I can give you solutions and remedies. अभी एक एक दो केसेस ऐसे हुए कि उनके घर में बच्चों का पढ़ाई में मन ही नहीं लगता था, करियर में they couldn't focus, तो उसमें रेमेडीज करने के बाद में इवन द जो वो घर के लड़का है उसका कितना 22 एज, लेकिन वो डिप्रेशन में चला गया, एंजाइटी इश्यूज भी हो गए बिकॉज ऑफ द वास्तु दोषा। एंड वंस दोस जो भी दोष है वो रिमूव करने के बाद में ही गॉट अ डिस्टिंक्शन। नहीं तो पहले ऐसे कोने में ऐसे बैठा था, बात नहीं करता था, उसे इंटरेस्ट नहीं था किसी भी चीज में, क्योंकि उसके जो फ्रेंड्स है वो सब पढ़ाई में आगे चले गए, करियर में आगे चले गए, और ये बेचारा पीछे रह गया, और इसे लगता था ही इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दीज थिंग्स, वेयर एज देयर इज अ बिग वास्तु दोष। उनके घर में बहुत बड़े वास्तु दोष है, तो जैसे ही वो निकाले तो वो उसके पेरेंट्स की हेल्थ भी अच्छी हो गई और उसका करियर अभी सेटल हो गया।
आपको क्या लगा, व्हाट इज द लॉजिक आपको समझ में आ गया, लेकिन अच्छा क्या लगा आपको रिगार्डिंग दिस वास्तु एस्पेक्ट, इट इज कम्प्लीटली न्यू फॉर यू ऑल. गुड पॉइंट और बैड पॉइंट में समझ में आया. ओके मैम, वो जो भारी सामान रखने की दिशा कौन कौन सी एक बार बताओ. भारी सामान रखने की दिशा है साउथ वेस्ट, साउथ और वेस्ट. साउथ वेस्ट और साउथ में सब वजनदार सामान रखना है. थैंक यू मैम. ओके और कुछ है इंटीरियर वास्तु के सब जो भी पड़ा है, कलर्स का पड़ा है, कहाँ पे क्या रखना है, कहाँ पे क्या नहीं रखना है? नो क्वेश्चंस. जो तुलसी का प्लांट होता है उसको बाहर ही क्यों रखते हैं? कोई भी ये जो तुलसी का प्लांट है उसको बाहर रखना है क्योंकि उसका संबंध है वो विष्णु से होता है. और तुलसी इज नॉट इंडोर प्लांट, उसको घर में रखेंगे तो सूर्य का प्रकाश नहीं मिलेगा और वो मर जाएगा. तो अंदर घर के अंदर रख सकते हैं, विंडो में रख सकते हैं, लेकिन उसको सूर्य का प्रकाश मिलना चाहिए. लेकिन तुलसी को नॉर्थ ईस्ट में नहीं रखना है. नॉर्थ ईस्ट में शिव का स्थान होता है, शिखी पद. तो नॉर्थ ईस्ट में तुलसी रखना निषिद्ध होता है. तुलसी हमेशा साउथ में रखना है. साउथ, साउथ वेस्ट, वेस्ट, ईस्ट में भी ठीक है, बट नॉर्थ ईस्ट में नहीं रखना है. इंडोर प्लांट्स में क्या आता है? मनी प्लांट है, ड्रैगन प्लांट है, जिनको ज्यादा रोशनी नहीं लगती है ऐसे प्लांट्स घर में लगा सकते. जिनको रोशनी की जरूरत होती है उनको विंडो में या फिर रोशनी में रखना जरूरी होता है. ओके ओके मैम. लोग मशीनरी तैयार करते हैं. जो तैयार हो गई मशीनरी, जैसे हमने सीखा कि साउथ में वजन रखना चाहिए, तो उन्होंने साउथ में वो जो मशीनरी उनको बेचनी है वो साउथ में रख दी, तो क्या होगा? Is it right thing to do or not? मैम, बताना आंसर. मशीनरी साउथ में बेटर है. वो मशीनरी वो बनाते हैं, सपोज बेकरी के लिए बनाते हैं, बेकरी वालों को मशीनरी देते हैं, वो सारी मशीनरी जो उनको बेचनी है वो साउथ में रखना ठीक है? नो मैम, नॉर्थ में चाहिए मैम. नॉर्थ में इतना वजन होना ठीक है? बट वो बेचने वाला है ना, वो स्टोर नहीं होने वाला है उधर. बट जब ही जब तक नहीं बिकेगा वो नॉर्थ में वजन तो रहेगा ना. साउथ ही बेस्ट रहेगा. साउथ में रखेंगे तो बिकेगा ही नहीं. पृथ्वी तत्व का काम है क्या है? पकड़ के रखना. आप उसमें बीज डालते हो, बीज को पकड़ लेता है वो. वहां पे स्टेबिलिटी है, वहां पे स्थिर तत्व है, वहां पे जो भी रखो. साउथ ईस्ट में नहीं, वहां पे भी अलाउड नहीं है. तो वेस्ट में मैम? वेस्ट इज बेस्ट जोन. वाय? बिकॉज वेस्ट में वजन अलाउड है फर्स्ट थिंग, और वहां पे एयर एलिमेंट है तो वो बिक जाएगा. नहीं तो साउथ वेस्ट में रखेंगे तो क्या होगा? मशीन पे मशीन वहां पे पड़े रहेंगे और बिकेगा ही नहीं. नॉर्थ में नहीं रखना है. नॉर्थ में इतना टंस में वजन रखना ठीक नहीं. इसको वेस्ट रखेंगे एयर एलिमेंट में, वो निकल जाएगा, बिक जाएगा. मैम एक क्वेश्चन है. मैंने एक बंगलो देखा था, उसमें ना जो ब्रह्मस्थान है ना,
उस बंगलों के अंदर से वो बड़ा वाला पेड़ जा रहा है, उनने उधर ही बंगलो बनाया और उनकी जो डेलिया है ना डालिया वो बाहर ऐसा ऊपर विंडो से बाहर जा रही है, तो कैसा होगा फिर? वो दोषी है ना, जैसे हमने सीखा है कि ब्रह्म स्थान में कुछ नहीं होना चाहिए, एम्प्टी खाली जगह। आपके पेट पे आप सोए हो और आपके पेट पे सपोज ऐसे 10 किलो का कुछ, 20 किलो का कुछ रख दिया, आपको क्या फीलिंग आएगी? हाउ यू विल फील? आप उठ पाओगे क्या? कुछ नहीं कर पाओगे और दुखेगा वो, क्योंकि हमारे पेट में 72,000 वेन्स होती है और जो भी हम खाते हैं, सांस लेते हैं, वो सारा रीजन जो है एब्डोमिनल पार्ट और लंग्स, ये एरिया है ना, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। वहीं से सारा ऑक्सीजन का सप्लाई है, ब्लड का सप्लाई है, न्यूट्रिशन का सप्लाई है, वो एरिया से होता है। जस्ट लाइक दैट वास्तु का ब्रह्म स्थान मतलब वो नाभि होता है वास्तु का, वहां पे अगर कुछ भी वजन है हेवी या फिर वहां पे दोष है तो पूरे वास्तु को परिणाम करता है। तो बंगलों में वो पेड़ है, दैट इज वन ऑफ द दोष। वैसे भी पेड़ होना ठीक नहीं होता है, वो पेड़ पूरा वो उसकी लाइफ कम हो जाती है, वो घर की आयु कम हो जाती है। मैम, मी असं खूप ठिकाणी बघितलं की जे मंदिर म्हणजे घरातले ते उठणार ते मंदिर बाहेर बांधतात, तस ते वास्तुदोष आहे का ते? हो, अर्थात आपली पृथ्वी एक घर आहे, पृथ्वीवरती आपण राहतो, ते आपल्याला देवानी दिलेलं घर आहे आणि आपल्या घरातच जागा नाही केली तर ते घराच्या बाहेर म्हणजे तो दोषच आहे ना। घराच्या बाजूला, बाजूला मीन्स म्हणजे घराच्या समोरच असं, घराच्या बाहेर नसावं देव, ही एनर्जी त्यांना मिळणारच नाही ना देवाची। देव सगळीकडे असतो, देव प्रत्येक गोष्टीमध्ये, देवानेच क्रिएट केलेलं आहे, सगळं तयार केलंय। आपल्याला ती ऊर्जा मिळावी म्हणून आपण देवाचा सहवास आपल्याला मिळाला पाहिजे, देव दृष्टीमध्ये असला पाहिजे, म्हणून आपण देवाला घरामध्ये एक स्थान देतो की देवाचं आपल्याकडे लक्ष राहावं, आपण शांतपणे प्रार्थना करावी आणि ती देवाची व्हायब्रेशन आपल्याला मिळावी। आता ते देव आपल्या घरापासून लांब केले तर मग ती ऊर्जा मिळणार नाही, इट्स युसलेस। घराला जोडूनच मंदिर बनलं तर असं चालेल का? नाही, जोडून म्हणजे घराच्या आतमध्ये पाहिजे, घराच्या बाहेर काय करायचं तर टॉयलेट वगैरे घराच्या बाहेर करावे, दॅट इज निगेटिव्ह एनर्जी। टॉयलेट्स असतील तर ते घराच्या बाहेर ठेवावे, पण देवाला तर घरात जागा पाहिजे, घराच्या बाजूला नाही। एक मदर वॉल नावाचं असतं, त्या मदर वॉलच्या आतमध्ये पाहिजे। अशा फॅमिलीला ज्यांच्या घरात देवघराला जागा नाही ना, त्या फॅमिलीला बऱ्याचशा अडचणींना सामोरं जायला लागतं, स्वतःच्याच बुद्धी कर्मानुसार येणं, त्यांना अशी बुद्धी होते बिकॉज त्यांची प्रायोरिटी ती नसते, त्यांना फ्रीज साठी जागा असते, त्यांना टीव्ही साठी जागा असते, त्यांना सगळ्या गोष्टीसाठी असते, पण देवाला ते बाहेर ठेवतात। दॅट इज अ वास्तुदोष ऍक्च्युअली। अजून काही प्रश्न आहेत का? पूर्वीच्या काळी, आता वास्तू का बघतात जास्त, कारण पूर्वीच्या काळी घर बैठी घर असायची आणि टॉयलेट्स वगैरे घराच्या पासून लांब दूर असायची, आता घरातच टॉयलेट्स असतात,
पूर्वीच्या काळी किचन पण पूर्व दिशेमध्ये किंवा साऊथ ईस्टला असायचं बाय डिफॉल्ट. आता सगळं बदललेलं आहे, त्यामुळे वास्तुदोषाचे परिणाम जास्त जाणवतात, जास्त भयानक जाणवतात आपण म्हणतो.